हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज का वीडियो जो है जियो F320 के लिए है, जिसमें जो है माइक बनाने के समय जो है एक टेक्नीशियन भाई ने जो है लेके आया कि माइक बनाते समय ये ब्लिंकिंग में आ गया और ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि ऐसा होता है जियो F320 में, ऐसा क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें फ्लैशिंग भी हम देखेंगे और बिल्कुल डन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माइक हम देख लेते हैं। ये हमारा माइक है, ये क्रिस्टल माइक है और इसमें चार पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये हमारा क्रिस्टल माइक का चार पॉइंट है। इसमें दो जो है GND हैं और दो हमारा सप्लाई है VDD और डेटा का, जो कि ये हमारा जियो F320 में वर्क नहीं करेगा। ये जो है एनालॉग फ्रिक्वेंसी देता है, जो कि हमारा जियो F320 है ये डिजिटल सपोर्ट करता है, डिजिटल माइक सपोर्ट करता है। तो इसको ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें 3 GR मिलने चाहिए। ये हमारा जियो F320 का माइक है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है एक ग्राउंड है और 3 पॉइंट जो है GR वैल्यू इसमें होते हैं, 3 पॉइंट GR मिलते हैं, यहाँ वैल्यू मिलता है, जो कि डेटा का होता है और एक VDD का होता है। तो इसमें 3 वैल्यू है हमारे। यही रीज़न है कि F320 में इसमें डिजिटल माइक ही वर्क करेगा, जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अगर वैसे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी बात है, किसी मदरबोर्ड से आपको मिल जाएगा, सेम मदरबोर्ड से मिल जाएगा, या फिर मार्केट में अगर आ गया हो तो और बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी तक मेरे को जहाँ तक कम उम्मीद है कि ये वाला माइक ही उपलब्ध है अभी मार्केट में, ये क्रिस्टल माइक। तो फ्रेंड, अभी सिंपली हमें क्या करना है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई दिक्कत आता है कि माइक अगर लगाने, और एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, कि अगर आप माइक लगा भी देते हो डिजिटल माइक सेम बोर्ड से, तो भी आपको फ्लैश करना पड़ सकता है, क्योंकि ये रीस्टार्टिंग में आ जाता है। तो इससे घबराएं नहीं, आप किसी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लें, और फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी, आपके पास जो भी टूल है, आप उसे फ्लैश कर सकते हैं, चाहे UMD हो या फिर जो भी आपके पास टूल उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि रीस्टार्टिंग आ गया। अगर आपने जेन्युइन माइक भी डाला और इस रीस्टार्टिंग आता है, तो आपने जो है फ्लैश कर लेना है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, इसको फ्लैशिंग करने के लिए इसका बूट की जो है स्टार है, तो सबसे पहले हमें बैटरी इंसर्ट कर लेना है। बैटरी इंसर्ट करने के बाद जो है हमारा डेटा केबल इसमें हम लगाएंगे। तो जैसे आपने देखा, मैंने बैटरी इंसर्ट कर लिया। अभी प्रेस कर देना स्टार की को दबा के फिर डेटा केबल इंसर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखें, बैटरी इंसर्ट करना, फिर पावर स्टार की प्रेस करना, दबा के रखना, और फिर डेटा केबल इंसर्ट कर देना। उसके बाद आप डिवाइस मैनेजर में देखेंगे, PC में, वहाँ पे पोर्ट क्वालकॉम का नज़र आ जाएगा, बन जाएगा। तो फ्रेंड, अभी मैं सिस्टम में, आप देखेंगे सिस्टम में हम कैसे इस पोर्ट भी दिखाएंगे और फ्लैशिंग कैसे, फाइल चुनना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ अभी हम लोग सिस्टम में देखते हैं। फिर तो फ्रेंड, सिस्टम में सबसे पहले हम UMD ओपन कर लेते हैं, और UMD ओपन करने के बाद इसमें जो है फ्लैशर पे क्लिक करेंगे। फ्लैशर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इसमें प्रोग्राम पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ ये आप फाइल अपना सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हमने डाउनलोड कर रखा है, ये फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया रॉ प्रोग्राम, और उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करना है फ्रेंड। ये पोर्ट नज़र आ रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पोर्ट नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड, ये ऑटोमेटिक जैसे ही पोर्ट बनेगा ये ले लेगा। तो हमारा
ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड UMT से यदि करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसमें जो है आपको ये पैच 0 ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप क्यूफिल से कर रहे हैं या कोई अदर टूल से तो मे भी आपको पैच 0 भी सिलेक्ट करना पड़े। तो फ्रेंड अभी आपको मेरे तरफ से क्या सुविधा मिलने वाला है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो फ्रेंड बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्प्ले कर रखा था, और किसी भी तरह का जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अनलॉकिंग हो, फ्लैशिंग हो, हम जो है ऑनलाइन आपका करने के लिए रेडी हैं और कर सकते हैं। तो जितने भी मॉडल, अभी ज़्यादा मेरे पास मॉडल नहीं है, लेकिन जो भी हैं मैं आपको, आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं उसका लिस्ट दे दूंगा और आपका ऑनलाइन फ्लैशिंग हो जाएगा। आपके दुकान पे आपको कहीं नहीं जाना है, अगर टूल्स नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का। तो फ्रेंड ये सुविधा आपके लिए है और बहुत ही चीप लेवल, बहुत ही लो प्राइस पे होगा, और जो आप बहुत ही लो प्राइस पे। तो फ्रेंड आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर Jio F320 का आपके साथ भी ऐसा होता है कि माइक लगाने समय अगर ये स्टार्टिंग हो रहा है, तो आप बिल्कुल डरे नहीं और फ्लैश कर लें। फ्लैश करने के बाद आपका जो है काम बन जाएगा, आपका सेट ऑन हो जाएगा। और माइक ध्यान रहे, मार्केट में जो है उसमें माइक जो है चेक कर लें कि उसमें कितना GR वैल्यू मिल रहा है, कितने सप्लाई मिल रहे हैं माइक पे। अगर 2 सप्लाई मिल रहे हैं और 2 ग्राउंड मिल रहे हैं तो वो माइक नहीं काम करेगा Jio F320 में। इस चीज़ को ध्यान रख लें, इसमें कोई बाईपास नहीं काम करेगा। अगर बाईपास करते हैं तो ये रीस्टार्टिंग में चला जाता है फिर। तो अगर माइक अगर दूसरा भी डालते हैं आप सेम बोर्ड से, तो अगर ये स्टार्टिंग में जाता है तो आप उसको जो है फ्लैश कर लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। और जो भी हमारे नए भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और ये गलतफहमी दूर हो सके कि क्यों माइक काम नहीं करता है Jio F320 में, और सेम माइक जो कि मार्केट में उपलब्ध है वो मार्केट में वो क्रिस्टल माइक है, जो कि जिसमें 2 सप्लाई होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं, वो Jio F320 में नहीं काम करता है, क्योंकि ये डिजिटल माइक सपोर्ट करता है जिसमें 3 सप्लाई होते हैं, 1 ग्राउंड होता है। तो फ्रेंड तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप देख सकते हैं मेरा जॉब डन हो चुका है, मेरा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल रहा। बीमारी